तो वहीं नोएडा में प्राधिकरण के दो कर्मचारी टावर पर चढ़ गए। वेतन न मिलने को लेकर ये कर्मचारी टावर पर चढ़े, टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी दी। नोएडा के थाना 39 इलाके का मामला है, जहां पर वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारी टावर पर चढ़ गए। नोएडा के थाना 39 का मामला, जहां टावर पर चढ़ने के बाद कर्मचारियों ने कूदने की धमकी दी। प्राधिकरण के दो कर्मचारी जो वेतन न मिलने के कारण टावर पर चढ़ गए। हमारे सहयोगी शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव, कर्मचारियों की मांग क्या थी और इन कर्मचारियों को किस तरह से समझाया गया? ठीक है, कर्मचारियों को आरोप था कि पिछले काफी समय से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी मांग को लेकर वो अपने उच्च अधिकारियों के पास भी गए थे और उच्च अधिकारियों से उन्होंने इस चीज की गुहार भी लगाई थी कि जो उनको वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिवाली का समय है, उनको अपने परिवार के में वेतन मिल जाएगा तो उस चीजों को लेकर वो पहुंचेंगे। इस चीज को उन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन उच्च अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान नहीं, जिसके बाद जो कर्मचारी हैं और दो कर्मचारी मोबाइल टावर पर, वहीं जो सेक्टर 39 का नोएडा प्राधिकरण का ऑफिस है उसके पास में मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे। नोएडा पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, नोएडा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कर्मचारियों को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई कर्मचारी मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक उनकी रुकी हुई जो सैलरी है वो नहीं मिलती है, तब तक वो यहाँ पर चढ़े रहेंगे। उसको लेकर बात जो आला अधिकारी हैं नोएडा प्राधिकरण के, जो उस वर्कर्स वर्क सर्कल में आते थे, उन्होंने वहाँ मौके पर उन कर्मचारियों की जो मांगे थी उनको माना, उसके बाद वो नीचे उतर गए। फिलहाल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो कर्मचारियों के प्रति रवैया अच्छे नहीं रखते, जिसके चलते उन्हें इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभ तमाम जानकारी के लिए।